नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल बालिद इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज पर, और आप सुन रहे हैं भारत शर्मा को। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डू के बारे में, और अगर हम उस डू को गिने तो हमारे स्टार्टिंग जहां से हुआ इज एम आर हैव हैज एंड डू, इन्हें मिला के हम छह शब्दों के बारे में जान चुके हैं। और ये छह शब्द नहीं हैं एक्चुअली, हम तीन हालात जिनमें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन शब्दों का इस्तेमाल करना अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ज़रूरी हो जाता है। या तो हम बता रहे होते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, या मैं बता रहा होता हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं, या मैं आपको बता रहा होता हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। आज हम उस बात को बोल पाने में सक्षम हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। केवल सुनकर या उन शब्दों को लिखकर नहीं हो सकता, अगर आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस की है तो ज़रूर बोल पा रहे होंगे। हालात चेंज हुआ क्योंकि हर काम को हर वक्त हम करते नहीं रह सकते, या हर वक्त हम वही बात नहीं बता रहे होते जो हम कर रहे होते हैं। बहुत बार हमको ये बातें भी बताने को ज़रूरत आती है कि ये काम मैं कर चुका हूँ। उस वक्त आपने देखा कि हमने हैव का प्रयोग किया, किसी को हमने बताया कि उसने ये काम कर लिया है तो हमने उस थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, इन सब के साथ हैव का इस्तेमाल ना करके हैज़ का किया। और हमने देखा कि जब हम इज एम आर इस्तेमाल कर रहे थे तो हम एक्टिविटी जो कर रहे थे उसमें आई एन जी लगा रहे थे, जबकि जब हमने हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया, और हमने हैव और हैज़ का इस्तेमाल कब किया, जब हम बता रहे थे कि ये काम हमने कर लिया, उस वक्त हमने हैव और हैज़ के साथ एक्शन में आई एन जी नहीं लगाया, हमने एक्शन का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। और मैंने बताया कि जब थर्ड फॉर्म ना मालूम हो तो उसमें ई डी लगाकर बोल दिया जा सकता है। अगर सामने वाला भी इंग्लिश स्पोकन है तो वो आपकी भावनाओं को समझता है और समझता है कि आप किसी काम को पूरा कर लिए जाने की बात कर रहे हैं। और अगर वो गलती हो गई है तो आगे समय के अनुसार आपके सामने आती है और आप उसे सुधार भी देते हैं। ऐसा ही हिंदी में भी हुआ है, हम शुरू से और आज तक भी हम हमेशा एक करेक्ट हिंदी नहीं बोल रहे होते हैं। बहुत बार होता है कि हम छोटी मोटी व्याकरण के अनुसार या वोकैबुलरी के अनुसार शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप यकीन मानिए, बहुत बार जब मैंने लोगों से पूछा कि हिंदी में दो शब्द हमको सुनने को मिलते हैं, आवास और निवास, तो इनमें अंतर क्या है, तो एक बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जिन्होंने कहा कि नहीं मालूम। तो अगर इंग्लिश में भी किसी शब्द के बारे में हमको नहीं मालूम है तो इसमें कोई बहुत बेजा बात नहीं है, बहुत कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कोशिश करिए, अपने लेवल से शुरू कीजिए, उसमें मैच्योरिटी, उसमें करेक्शन आता जाएगा। लेकिन उसके इंतज़ार में रहेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम अब तक इज एम आर हैव हैज़ एंड डू इस तरह से छह शब्दों को जान चुके हैं, और तीन हालात को, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, कर लिया है, या फिर करता हूँ, भाई मेरा रूटीन है, मैं तो ऐसा करता हूँ। तो लास्ट टाइम हम डू पर बात कर रहे थे, तो क्या आप नॉन वेज लेते हैं, डू यू टेक नॉन वेज, और हो सकता है आप ना लेते हो तो आप कह देंगे नो आई डू नॉट टेक नॉन वेज। लेकिन अगर कोई नॉन वेज लेते हैं तो वो तो कह देंगे ना आई टेक नॉन वेज, येस आई टेक नॉन वेज। तो क्या आप चिकन लेते हैं, डू यू टेक चिकन, और जो लेते हैं वो कह देंगे येस आई टेक चिकन, और जो नहीं लेते वो कहेंगे आई डू नॉट टेक चिकन। सो वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू से कि ये बात हमने सीख चुके थे, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, केवल सीखने में आज से नहीं हो जाएगा, उसको करने से होगा। आप इसको रूटीन में लाइए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं, अगर आप प्रैक्टिस खुद नहीं कर पाते तो मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं आपकी प्रैक्टिस करा लूँगा। खैर, आज हम बात करेंगे कि यदि हम इस रूटीन लाइफ को किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछें, मैं नहीं जानता, मेरी मुलाकात नहीं है उनके साथ, इंटरेक्शन नहीं है आपके साथ है, और वो जो हैं थर्ड पर्सन वो आपको जानते हैं, तो मैंने उनके बारे में आपसे पूछा क्योंकि मुझे लगा कि उनका रूटीन आपको मालूम होगा। मैंने पूछा कि आपका भाई नॉनवेज लेता है, तो वो, उसके लिए मैं डू का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं आपसे आपके लिए डू का इस्तेमाल करूँगा, अपने लिए डू का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन थर्ड पर्सन ही, शी, आपका भाई, मेरा भाई, या कोई भी थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी, उसके लिए मैं डज का इस्तेमाल करूँगा। आपसे आपके लिए पूछता तो मैं पूछता डू यू टेक नॉन वेज, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आपके भाई के लिए पूछ रहा हूँ, तो यू नहीं आएगा, आपका भाई आएगा, और उसके साथ डू नहीं आएगा, डज आएगा। डज योर ब्रदर टेक नॉन वेज, क्या आपका भाई
क्रिकेट खेलता है? डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट? क्या आपका भाई इंग्लिश सीखता है? डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश? इस तरह से डज से बनेगा। और आप देख रहे हैं बार बार कि हालात चेंज हो चुका है, इसलिए डज आ रहा है। अगर यही होता कि आपका भाई इंग्लिश सीख रहा है, इज योर ब्रदर लर्निंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप लंच ले रहे हैं? आर यू टेकिंग लंच? क्या आप लंच ले चुके हैं? हैव यू टेकन लंच? क्या आपका भाई लंच ले रहा है? इज योर ब्रदर टेकिंग लंच? क्या आपका भाई लंच ले चुका है? हैज योर ब्रदर टेकन लंच? हाँ, वो लंच ले चुका है। यस, ही हैज टेकन लंच। क्या आपका भाई लंच लेता है? डज योर ब्रदर टेक लंच? क्या आप लंच लेते हैं? डू यू टेक लंच? हाँ, मैं लंच लेता हूँ। यस, आई टेक लंच। नहीं, मेरा भाई लंच लेता है। यस, माई ब्रदर टेक्स लंच। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी होंगी। आज हमने क्वेश्चन बनाना सीखा थर्ड पर्सन के लिए, सेम था आपके लिए पूछ रहे थे, आपसे पूछ रहे थे तो डू यू और वो एक्टिविटी का फर्स्ट फॉर्म। आज आपसे पूछा लेकिन किसी तीसरे के लिए, तो डू की जगह डज ही या शी या योर ब्रदर या योर सिस्टर या जो भी है, और उसके बाद एक्टिविटी का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब ये आंसर हुआ हाँ वो फुटबॉल खेलता है, हाँ मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, तो अब तो वो जो टाइम वर्ड जो डज का इस्तेमाल हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, अब सवाल तो नहीं है तो स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा। तो कहाँ आ रहे थे सारे टाइम वर्ड? इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, सेकंड नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? कौन खेलता है फुटबॉल? आपका भाई ना। तो आप अपने भाई को क्या कहेंगे? मेरा भाई। तो माई ब्रदर, माई ब्रदर डज प्ले फुटबॉल, माई ब्रदर डज प्ले फुटबॉल। तो जब आपने ऐसा कहा, आपने जब अपने लिए भी कहा था तब भी आपने डू लगाया था, लेकिन मैंने बताया था कि डू की नेचर है कि वो उसके ठीक बाद यदि एक्शन आ रहा हो तो वो उसमें जंप कर जाता है और डिसअपियर हो जाता है, दिखता नहीं है, नज़र नहीं आता, बोलता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है। ठीक उसी तरह डज का भी नेचर है और डज भी अपने आप को डिसअपियर कर जाता है। तो टेक्निकली हमने समझने की कोशिश की कि ये सेंटेंस तो कुछ यूँ हो रहा होगा, यूँ हुआ होगा कि माई ब्रदर डज प्ले फुटबॉल, लेकिन डज के ठीक बाद प्ले आ रहा था और प्ले एक्टिविटी का फर्स्ट फॉर्म है, तो वो उसमें जंप कर जाएगा और अपने आप को डिसअपियर कर जाएगा और बचेगा माई ब्रदर प्लेज। मतलब डू जब प्ले में जंप किया तो कोई फर्क नहीं आया, डू डू ही रहा, एक्शन को एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही रहने दिया, प्ले को प्ले ही रहने दिया। लेकिन यदि डज एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में जंप करेगा तो उसमें एस या ई एस जैसी चीज़ जुड़ जाएगी और वो प्रोनाउंसिएशन में भी साफ नज़र आएगी। ये कहाँ एस और कहाँ ई एस, इस पर हम बात करेंगे जल्दी, लेकिन पहले इन चीज़ों को रूटीन में ले आएँ, एक बार वो कॉन्फिडेंस गेन कर लें। और बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं मेरे पास आजकल और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, अच्छा लग रहा है। आप भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश कीजिए, अच्छा लगेगा। तो मैं इन क्लासेस से हट के, क्योंकि ये ज़रूरी शब्द हैं, अगर अब तक तो महसूस हो गया होगा आपको कि हम तीन अलग अलग हालात में पूरे दिन में इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग इनसे की है। अभी कुछ शब्द और बाकी हैं, यदि वो और आ जाएंगे तो आप यकीन मानिए सुबह जागने से लेकर सोने तक आप जो तमाम बातें करते हैं वो बातें इन शब्दों में सिमट के रह जाएंगी, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आप ज़रूरत की बात बता पाएंगे, अपने दिल की बात किसी को बता पाएंगे और पूछ पाएंगे यदि आप इन शब्दों को आत्मसात कर लेंगे, इनको अपनी ज़ुबान का हिस्सा बना लेंगे, इनको अपनी आदत बना लेंगे। और मैंने कहा था आदत बनती है एक कार्य को बार बार करने से, बार बार सही रूप में सही तरीके से करने से सही आदत बनेगी, गलत रूप में करने से गलत गलत आदत बनेगी। तो उसको अगर सही आदत डालना है तो इन शब्दों को पर डे इतना यूज़ कीजिए और ज़रूरत पेश आती है, ज़रूरत पेश आती है, आपको उसे बोलना आता भी है, और फिर यदि आप उसे छोड़ के हिंदी बोलते हैं तो फिर तो आप समझिए कि इसका क्या इलाज हो सकता है। कौन आपका ध्यान रखेगा? आपका ध्यान आपको रखना पड़ेगा और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो कोशिश कीजिए कि जब वो चीज़ जो आपको आती है और उसको यूज़ करने का मौका भी है, बारिश है, छाता आपके पास है, तो छाता खोलने भर की देर है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें कहीं कोई बेवकूफ़ी नहीं है। लेकिन बारिश है, छाता आपके हाथ में है, आप उसे खोलते नहीं हैं, तो रास्ते में देखने वाले लोग सिवाय आप पर हंसने के और दूसरा कोई इलाज नहीं है, तो क्यों अपना मजाक बनाएंगे हम? तो जब हम चीज़ों को जानते हैं तो उनको एक हौसला लाइए,
थोड़ा सा हिम्मत रखिए और उसको बोल डालिए। बिल्कुल मत सोचिए कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, और न जाने कितने लोग क्या क्या सोचते थे आपके बारे में आपसे पहले। आप क्लास फिफ्थ में कितनी बार आपको पनिशमेंट मिला, कितनी बार आपको डांट पड़ी, कौन जानता है। और जो लोग जानते थे वो शायद अलग अलग स्ट्रीम में निकल गए, आज वो फ्रेंड्स आपके साथ नहीं हैं। हर किसी को बचपन में डांट पड़ती है, हर किसी को ऐसा लगता है कि आज तो बहुत बेइज्जती हो गई, उस लम्हा लगता है। लेकिन जब वो लम्हा गुजर जाता है, आगे चल के हम देखते हैं कि कुछ भी तो नहीं होता। तो आज भी अगर कुछ आपको लगता है कि मैं बोला और कुछ गलत हो गया अगर, तो बड़ा कुछ हो जाएगा ऐसा आपको लगता है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि यदि गलत हो जाएगा तो आपको एहसास हो जाएगा और आप अगली बार उसको सुधार पाएंगे। अगर आप ही को एहसास नहीं होगा तो आप सुधार कैसे पाएंगे। आप अपने खुद के आईने हैं। आप आईना जब देखते हैं सुबह और आपको लगता है चेहरे पे कहीं कुछ लगा है, तो चूंकि आपने आईना देखा और आपको दिखाई दिया, तभी तो आप उसे हटा पाएंगे, साफ कर पाएंगे। अगर आप आईना ही नहीं देखेंगे, अपना सामना ही नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे चेहरे पर कहाँ कुछ लगा है जिसे मुझे हटाना है। ठीक उसी तरह अगर आप कुछ बोलने की हिम्मत करेंगे और किसी से बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसमें कहीं छोटी मोटी कोई गलती हो सकती है तो उसको सुधार लिया जा सकता है। आपको मिल गया मौका, आप उसे सुधार लें। ज़िंदगी अभी बहुत बाकी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ बोलें। बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज पहले आया था, अब जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो डज दूसरे नंबर पर आया, और वहाँ भी आकर हमने देखा कि वो एक्शन में जंप कर गया। और जब वो एक्शन में जंप किया तो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बढ़ गया और वो प्ले की जगह हो गया प्लेज। इसी प्ले में जब डू गया था तो डू को कोई चेंज नहीं किया था, डू को डू ही रहने दिया गया था। मैंने कहा था मैं खेलता हूँ फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। क्यों? क्योंकि ये था आई डू प्ले फुटबॉल, और डू प्ले में गया, प्ले में कोई चेंज नहीं आने दिया। लेकिन अब खेलता है मेरा भाई, तो माय ब्रदर डज प्ले, और डज जब प्ले में गया तो वो क्या हो गया? प्लेज। तो ये ना दिखेगा ना बोलेगा, तो प्ले को प्लेज करके बोलेगा और हो जाएगा माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल। मेरा भाई नॉनवेज लेता है, माय ब्रदर टेक्स। डज टेक में जाएगा तो क्या हो गया? जैसे प्ले का प्लेज हुआ, ऐसे टेक का टेक्स हो जाएगा, गो का गोज हो जाएगा, स्पीक का स्पीक्स हो जाएगा। मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपकी हिम्मत करने की देर है। आप यदि ऐसा करेंगे तो बिल्कुल है कि आप इसे कर भी पाएंगे, कहीं भी कहीं कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए, तो एक आपका भाई आया, भाई ने किसी बात को लेके माने क्वेश्चन किया, आज तुम कहाँ गए थे, बहुत लेट हो गए। उसने कुछ कहानी सुनाई और लगा आपको कि माँ उसकी बातों में आ रही है, तो आपने माँ से पूछा, मम्मा डू यू रियली बिलीव हिज स्टोरी, डू यू रियली बिलीव हिज स्टोरी, डू यू, क्या आप ऐसा करते हैं? आपको बताया, तो आपने माँ से पूछा, माँ आप विश्वास करती हो इस पर, क्या वाकई में, डू यू रियली, क्या वाकई में आप, डू यू रियली बिलीव, डू यू रियली बिलीव, क्या आप वाकई में यकीन करती हो इस स्टोरी, इसकी कहानी पर, ये जो कहानी सुना रहा है। तो माँ ने कहा, नो आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव। सो इस तरह की बातें घर में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। क्या कर रहे हो? मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा है, ये करता है, ये कर चुका है, मैंने नहीं किया, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं किया। यही बातें हम सीखी हैं और यही बातें आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आज हम तीन तरह की बातें बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, कोई तीसरा क्या कर रहा है। मैंने क्या कर लिया है, आपने क्या कर लिया है, और तीसरे ने क्या कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हो, और ये क्या करता है। इसमें हम सवाल कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, और हाँ में और ना में भी जवाब दे सकते हैं। इतना सब कुछ हम सीख चुके हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, ये आपका माइंड सेट हो सकता है, आप किस तरह से सोचते हैं। एक एंगल पर देखेंगे अगर आप, तो आपने 3 to 5 and to 7 केवल 7 वर्ड सीखे, 7 शब्दों से क्या हो सकता है, ऐसा सोच हो सकती है। लेकिन मैंने अभी साबित करके दिखाया, इन 7 शब्दों से जो हो सकता है वो मिराकल है। लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे और कायल हो जाएंगे आपके कि वाओ, आप तो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह सोचते हैं, आप हार मानते हैं या ठानते हैं। ठान लीजिए, आप कर दिखाएंगे, आप इन 7 शब्दों में कर दिखाइए, मुझे यकीन हो जाएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं।
अगर आप मुझे फेसबुक पे फ्रेंड हैं मेरे, तो आपने अभी लेटेस्ट वीडियो पे मेरे स्टूडेंट का कमेंट देखा होगा, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब ऐसा ये वीडियोज़ डालने शुरू किए तो पहली बार जो भी मिस्टर, मैं तो नाम मिस कर रहा हूँ, स्टूडेंट का अपना है, उसने डाला है कि लोग कहते हैं 3 महीना, लेकिन उसने कहा भारत शर्मा के साथ वो रहे होंगे तो उनको लगा होगा, तो उन्होंने कहा केवल 10 दिन में आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनको 10 दिन में वो केस समझ में आ गया। एक्चुअली कब आप ये हिम्मत जुटा लेते हैं और वो आपका गेम चेंजर मोमेंट बन जाता है, पता नहीं लगता। तो वो गेम चेंजिंग मोमेंट आपको ढूंढना है जहाँ कि आप बिल्कुल टर्न द टेबल कर लेते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट इट, शुरू करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आइए जुड़िए मेरी ऑनलाइन क्लासेस में, मैं आपको कंपाइल करके जैसे भी लेकिन आपसे प्रैक्टिस करवा लूँगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, नाइस मीटिंग यू, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।